हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में आज हम लोगों को तकरीबन 1.5% का एक गिरावट देखने को मिला। स्टॉक लास्ट के वन मंथ में देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी ट्रेडिंग सेशन के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक में। हम लोगों को कंटिन्यूसली जो है 26th ऑफ जून से वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला था और याद होगा मैंने आपको बताया था स्टॉक एक रेसिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ पे आपको वेट करना है क्योंकि स्टॉक में अब सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। इससे पहले भी इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था, वापस से हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अभी भी निगेटिव टर्न नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है एक बड़ा आपको मोमेंटम हुआ है तो स्टॉक नो डाउट थोड़ा बहुत रिट्रेस बैक कर सकता है, बट यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। जितने भी लोगों ने बाई किया है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। रीजन है जो स्टॉक के पास इमीडिएट रेसिस्टेंस है 32.5 के ऊपर। जैसे ही निकलता है स्टॉक के पास जो है 34.5 का रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर जो है 36 का रेसिस्टेंस है। तो स्टॉक के पास यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है विद इन 1.2 पॉइंट के डिफरेंस पे जो है यहाँ पे स्टॉक के पास रेसिस्टेंस है। इसी वजह से यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप पोजीशन रखे हुए हैं ऑलरेडी आपने बाई करके रखा हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी अपर चैनल को हिट किया है तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा, बट उसके बाद वापस से जो है हम लोगों को समवेयर अराउंड 30 के लेवल पे एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग 36 के लेवल के ऊपर डेली चार्ट जब तक क्लोज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, या फिर स्टॉक वापस से अगर रिट्रेसमेंट करता है 23-24 के लेवल पे तभी हम लोग इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करेंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।